नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेट सजेशन पर। आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा, इस बीमारी क्या होती है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा बीमारी में पशुओं को दवाई क्या देनी चाहिए और ये बीमारी न हो इसलिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा, ये तीनों बीमारियां जननांग में होती है। ये बीमारियां जानवरों में बांझपन निर्माण कर दिए थे, इसलिए इस बीमारी का इलाज तत्काल होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दवाई ऐसी हो जिसे तुरंत आराम मिले, जैसे कि प्रेग्मा नाम का इंजेक्शन आता है जिसमें है क्लोप्रोस्टिनॉल। इससे पशु के बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो हम पशु को आयु कर सकते हैं, यानी कि उसके बच्चेदानी में हम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं। जब बच्चेदानी में दवाइयाँ छोड़ेंगे तो बच्चेदानी में बढ़ रहे बैक्टीरिया मर जाएंगे। साथ में हम पशु को एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे, जैसे जेंटामाइसिन, एंड्रोसिन LA, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन LA, सेप्टियोफोर सोडियम, सेप्टियोफोर क्रिस्टलाइन, सेपियोफोर क्रिस्टलाइन। ये दवाइयाँ हम बीमारी में यूज कर सकते हैं। ये दवाइयाँ अलग अलग कंपनी की आती है, आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ये दवाइयाँ यूज करने के लिए आपके यहाँ के पशु चिकित्सक को बुलाइए और उससे यूज कीजिए। यह बीमारियाँ पशु न हो इसलिए पशु के बहने के बाद जार गिराने की दवा जरूर पिलाएं। साथ में एनर्जी बूस्टर दवाइयाँ दें जिससे कि जार कम से कम टाइम में गिर जाए। पशु को जार गिरने के बाद बच्चेदाने में एंटीबायोटिक दवा जरूर दे जिससे आगे जाकर जननांग की बीमारी ना हो, जैसे मेट्राइटिस, पायोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस। साथ में पशु के जननांग का अच्छे से ध्यान रखें। पशु को AI करते समय पशु के जननांग को अच्छी तरह से साफ करें। जिनके पास एक्सपीरियंस है ऐसे ही AI टेक्नीशियन को बुलाइए और उसी से AI करवाइए। अच्छे सीमेंट का यूज कीजिए। कभी भी नेचुरल सर्विस से पशु को गाभिन ना करें। यह सब सावधानियां आप बरतेंगे तो पशु को कभी मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा इस तरह की बीमारियां नहीं होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।